कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर घमासान, क्या राहुल खुद बनेंगे पार्टी का अध्यक्ष? मीडिया के सवालों पर क्या बोले राहुल गांधी? राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने साफ किया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को वैचारिक पद करार दिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। उनके मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा जनता से जुड़े कई मुद्दों पर आधारित है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव और चुने जाने वाले अध्यक्ष को एक सलाह देने का सवाल किया गया। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सिर्फ एक संगठनात्मक पद नहीं है, बल्कि एक वैचारिक पद है। मेरी सलाह है कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने, उसे यह याद रखना चाहिए कि वो एक विचारधारा, एक विश्वास प्रणाली और भारत की दृष्टि का प्रतिनिधित्व करेगा। What is the one piece of advice you would give to those who want to contest for the office of Congress President? One piece of advice that you are taking on a position, it's a historic position, and it's a position that defines and has defined a particular view of India. The Congress President is not just an organizational post. The Congress President is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress President should remember. दरअसल राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार को छोड़कर किसी को बनना चाहिए। इन सब के बीच मौजूदा समय में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर गहमा गहमी बढ़ी हुई है। राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की आवाज उठ रही है। कई राज्य कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए और उन्हें अध्यक्ष बनाने की मांग की, लेकिन राहुल गांधी अपने रुख पर कायम हैं। यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस के नए बनने वाले अध्यक्ष को भी सलाह दी है। बताते चलें कि कांग्रेस ने अध्यक्ष चुनाव के लिए गुरुवार को अधिसूचना भी जारी कर दी। नामांकन 24 सितंबर से 30 सितंबर तक दाखिल किए जाएंगे। अगर जरूरत हुई तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान के बाद 19 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।